11th class. Appa ki karasi, appa unit 5th karasi adi 5.1 exercise. Jide vich assi 7 question tak kar le hoye si, 8th question te karna hai. Ede vich sare assi angles samjhe sige, adjacent angles, complementary angles, supplementary angles, hai na? Vertical opposite angles, to dekho agge unna di application question number 8 de vich, dekhiye. An angle is greater than 45 degree. राइट कि साढ़े को एक कोण है जो 45 डिग्री तो की है वड्डा इज इट्स कॉम्पलीमेंटरी एंगल ग्रेटर दैन 45 डिग्री और इक्वल टू 45 डिग्री और लैस दैन 45 डिग्री कहिंदा जदों असीं इन्हां दा कॉम्पलीमेंटरी एंगल मतलब पूरक कोण पता करांगे तां ए उहदे बराबर होगा छोटा होगा या की होगा वड्डा होगा ठीक है अच्छा हुण पूरक कोण या कॉम्पलीमेंटरी एंगल किहड़े हुंदे ने ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਐਂਗਲਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ 2 ਐਂਗਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਮ ਕਿੰਨਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰਕ ਕੋਣ ਜਾਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਗਲਸ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ 2 ਐਂਗਲਸ ਹੂ ਸਮ ਇਜ਼ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੋ ਕੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਕੋਣ ਆਖਦੇ ਹਨ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਹੈਗਾ ਨਾ An angle is greater than 45 degree. 45 degree तो की है वड्डा है ना अच्छा कहिंदा फिर दसो जिहड़ा दूसरा एंगल है 45 तो वड्डा होगा छोटा होगा कि बराबर होगा हुण असीं मान लैने हैं कि 45 डिग्री तो जिहड़ा वड्डा है ना असीं मान लैने हैं चलो 46 डिग्री है ठीक असीं लिख लैने हैं कंसिडर फर्स्ट एंगल इक्वल टू 46 डिग्री पंजाबी वाले की लिखणगे मान लो पहला कोण 46 डिग्री ठीक है हुण एक गल याद रखो आ देखो 46 डिग्री वड्डा है ना 45 डिग्री तो उन्हें क्वेश्चन च जो गया सी वो मान भी लिया है ना अच्छा हुण सानू पता है कॉम्पलीमेंटरी एंगल्स किहड़े हुंदे ने कॉम्पलीमेंटरी एंगल्स जड़े ने उन्हां दा सम की हुंदा है जे मैं इदा लिखा सम ऑफ कॉम्पलीमेंटरी एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री पंजाबी वाले इस थां ते की लिख सकदे हो लिख सकदे हैं पूरक कोणां दा जोड़ किन्ना हुंदा साडे कोले 90 है ना ठीक अच्छा हुण सिर्फ एक कोण है दूसरे कोण नूं असीं की मान लैने सपोज कर लैने जिहड़ा सैकेंड एंगल है वह अपने को सपोज कर लैने वह साडे कोले किन्ना एक्स है ठीक है तो की होगा 40 प्लस एक्स किन्ना होगा 90 होगा अच्छा एक्स किहदे इक्वल हो गया 46 प्लस एक्स इक्वल टू 90 होगा हुण 46 उधर जाके की हो जाऊगा तुहाडे कोले माइनस हो जाऊगा चलो एक्स की वैल्यू कढ लो माइनस साइड ते करके देख सकते हैं तो दसां चों 6 गए 4 इत्थे रह गए 8 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 44 ਤੋ ਕੀ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਛੋਟਾ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਤੋ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਐਂਗਲ 45 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 45 ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਵੱਡਾ ਨਾ ਬਰਾਬਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸਮਾਲਰ ਤੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਇਟਸ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਗਲ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ लेसर दैन 45 डिग्री ठीक है अगर दिता हुआ कोण 45 डिग्री तो वड्डा है तो उसका पूरक कोण हमेशा 45 डिग्री तो छोटा होगा चलो हुण आओ क्वेश्चन नंबर 9th ते क्वेश्चन नंबर 9th ते उन्होंने क्या होया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ठीक है तो इहदे विच उन्हें की किया होया तुहानू एक डायग्राम बना के दिता होया डायग्राम तुसी भी अपनी कॉपी ते जरूर बनाना ए नहीं कहना बुक च बनिया होया ठीक है ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਪੀ ਦੇ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਬਣਾਓ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਕਰੋ ਚਲੋ ਜੀ ਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨਸ ਹੈ ਔਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੇ ਨਿਕਲਦੀ ਵੀ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਐਂਗਲ ਇਜ਼ ਐਂਗਲ 1 ਐਡਜਸੈਂਟ ਟੂ ਐਂਗਲ 2 ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ 1 ਤੇ 2 ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ ਐਡਜਸੈਂਟ ਨੇ ਤੋ ਕੀ ਇਹ ਲਾਗਵੇਂ ਕੋਣ ਹਨ तो देखो बिल्कुल लागे लागे पे है और चीज की होंगी है जेडे साडे कोले एडजसेंट एंगल्स होंगे ने दे हैव सेम वर्टेक्स एंड वन कॉमन आर्म है ना तो इहदा आंसर की होगा यस
मेरा आंसर लिख देता, ठीक है? बस ख्याल रखना, तुक्के नहीं मारने। हाँ हाँ ना ना नहीं करते रहना, यस नो नहीं करते रहना, ध्यान ना देखना भी है वो केड़े दो एंगल्स की गल करता पाया, वन ते टू। हुण एडजसेंट एंगल्स, पहली गल तो एक दूसरे के बिल्कुल कोल होने चाहिए हैगे आ, उन्हां दा वर्टेक्स सेम होना चाहिए, ठीक है? सांझा सिखर होना चाहिए, ते एक की होनी चाहिए है, कॉमन आर्म होनी चाहिए है, सांझी भुजा होनी चाहिए है। ओके, सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं असीं, सेकंड क्वेश्चन च है इज एंगल AOC, AOC केड़ा है? AOC एडजसेंट टू एंगल AOE, AOE। तो तानू की कह रहा है कि कहिंदा पे जेड़ा एंगल वन है ना, ठीक है, उदा नाम AOC है, कि ओ एंगल AOE दे एडजसेंट दे विच पे है। हुण जो थोड़ा ध्यान ना देखिए, जेड़ा AOE है ये केड़ा एंगल बनता पे, आ एडा वड्डा एंगल बनता पे, बनता पे इदा जिहड़ा एंगल वन दी ये गल करदा पिया ना, एंगल वन दी वो तो इहदा छोटा जिहा पार्ट है, उहदे विचों दी एंगल AOE दे विचों की निकल रहा है, एंगल AOC निकल रहा है। एडजसेंट तो है नहीं गे, ठीक है, बिल्कुल भी एडजसेंट नहीं गे। तो असीं इहदा आंसर की लिखांगे, नो दे आर नॉट एडजसेंट एंगल्स, नो दे आर नॉट एडजसेंट एंगल्स, मतलब ए लागवें कोण नहीं हन। देखो हुण हुण कोई मैनूं कहे भी प्रॉपर कारण दसो, तो देखो असीं जदों एंगल वन ते एंगल टू की गल कीती सी है ना, आपां कहे सी कॉमन वर्टेक्स है। हुण तुसीं कहो कि बई AOC ते AOE दा भी कॉमन वर्टेक्स है, बिल्कुल हैगा है कॉमन वर्टेक्स। उस तो बाद तुसीं, मैं तुहानूं ए कहा वन ते टू दे फर्स्ट क्वेश्चन दे केस दे विच, मैं कहा जिहड़ी कॉमन इहनां दी इक कॉमन आर्म है, तो तुसीं कहोगे AOC ते AOE दी भी कॉमन आर्म है। नहीं, कॉमन आर्म कित्थे होनी चाहीदी है, जिहड़ी एडजसेंट एंगल्स हुंदे ना जिवें वन ते टू, उहनां दी कॉमन आर्म बाकी दो आर्म्स दे गब्बे पई हुंदी है, ठीक है? बाकी दो आर्म्स उहदे किद्दां हुंदियां ने, अपोजिट साइड्स ते हुंदियां ने। बट जदों असीं एंगल वन मीनस AOC ते AOE दी गल करदे पए आं, उस टाइम ते जिहड़ी कॉमन आर्म है, जिहड़ी ओ ए कॉमन आर्म है, ओ ओ सी ते ओ ई आर्म दे सेंटर च नहीं है, वो एक साइड ते आ गई है, ठीक है? तो इस करके AOC ते AOE साडे कोले दे आर नॉट एडजसेंट एंगल्स। उस तो बाद नैक्सट देखो, नैक्सट पार्ट दे नैक्सट ये साढ़े को की है, डू COE एंगल COE, चलो लभ लो COE, COE ठीक है, एंड EOD, EOD दे मेक अ लीनियर पेयर। मतलब देखो केड़ी केड़ी गल कर रहे हैं, एक इस एंगल की गल कर रहे हैं और इन दोनों एंगल्स न मिला दो, ठीक है? EOD ते COE मिलके लीनियर पेयर बना लिया। हुण जरा ध्यान ना देखो, जिहड़ी COD एक स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल एक सीधी लाइन है, ठीक है? जदों साडे कोल एक सीधी लाइन आती है, एक स्ट्रेट लाइन आती है, उहदे ते जिहड़े एंगल्स हुंदे ने ओह मिलके की करदे ने, ओह मिलके लीनियर पेयर बनाते हैं, वह मिलकर रेखी जोड़ा बनाते हैं। तो असं की कहोंगे, यस ये असं कहोंगे, यस एंगल COE एंड एंगल EOD फॉर्म लीनियर पेयर। रीजन भी दसता पंजाबी वाले ते की लिखणगे, हाँ जी कॉमा एंगल COE अते एंगल EOD मिलके रेखी जोड़ा बनाते हैं। कारण हुण मैं तुहानूं कारण भी पुछा, तुसीं रीजन भी लिखना है। रीजन की लिखना, तुसीं लिखोगे COD इज द स्ट्रेट लाइन, COD एक सीधी रेखा है, जिस करके इस ते बने हुए कोण या कोणां दे जोड़े रेखी जोड़े होणगे, ठीक है? लो उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन है साडे कोले, कहिंदा पिया एंगल BOD ते DOA सप्लीमेंटरी है। लो केड़ा एंगल BOD, ठीक है, आ वाला एंगल, एंगल 4 ते एंगल ई, एंगल दूसरा कह रहा है DOA, ये वाला, ये दो एंगल, ठीक है? एक कह रहा है एंगल BOD ते एक कह रहा है एंगल DOA, पूछ रहा है ये दोनों की ने, तुहाडे कोले सप्लीमेंटरी ने, संपूरक कोण ने। तो देखो देखो चार ते पांच नूं ध्यान नाल देखो, ये दोनों कोण मिलके एक तुहाडे कोले की बना रहे ने, स्ट्रेट लाइन बना रहे ने,
बना रहे दोनों मिलके स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का नाम की है एओपी, तो असी की कहांगे स्ट्रेट लाइन जो बनती है किन्ने का एंगल होंगे 180 का, तो असी की कहांगे यस एंगल बी ओ डी एंड एंगल डी ओ ए फॉर्म केड़े भला सप्लीमेंटरी एंगल, ठीक है, मीनस इन दोनों का सम कि 180 डिग्री होने तुम खुद करोगे, ठीक है। उस तो बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जिहड़ा इस दा फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन दे विच तुहानूं की पुछ रहा है कि एंगल 1 ते एंगल 4, ठीक है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स ने, देखो ध्यान देना, हुण भुल जाओ कि ओई विच है, ओई नूं भुल जाओ, ध्यान देना, तुहानूं दो इंटरसेक्टिंग लाइनस दिख रही पईआं, एक ए ओ बी ते एक सी ओ डी दिख रही, ते इंटरसेक्टिंग लाइनस दे विच किहड़े एंगल्स बनदे ने वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, तो एक पेयर मैं तुहानूं दस देना एंगल 1 ते एंगल 4 दा। हुण नैक्सट जिहड़ा साडे कोले सिक्स्थ क्वेश्चन है, उहदे विच उहने जिहड़ियां दो इंटरसैक्टिंग लाइनस असीं कहीआं ना, उहनां दे विच इक होर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स दा सिखर सन्मुख कोणां दा पेयर डिस्कस कीता होया, तो सिक्स्थ क्वेश्चन आंसर तुसीं खुद करना। 1 ते 4 वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स ने, क्यों ने, क्योंकि दो इंटरसैक्टिंग लाइनस किहड़ियां किहड़ियां ए ओ बी ते सी ओ डी दे विच बने हुए ने, और वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स की हुंदे ने, इक्वल हुंदे ने, राइट। चलो हुण करदे हां क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, तुहानूं कहिंदा पिआ थल्ले तुहाडे कोल इक डायग्राम दित्ता होया, उहदे सारे एंगल्स वी मैनशन कीते हुए, तुसीं पहचान करनी है, कुछ इंडिकेशन देनी है किहनां दी। सब तों पहलां वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, सिखर सन्मुख कोण, ठीक है। ਹੁਣ ਸਿਖਰ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ ਜਾਂ ਵਰਟੀਕਲੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲਸ, ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਨੇ ਦੋ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨਸ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਇਹ ਹੈ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ, ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕੀ ਨੇ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈੱਡ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਗਏ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵਰਟੀਕਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਪਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ, 4 ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੌਣ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, 1 ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, 4 ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਰਤਾ, ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਦੀ 1 ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਟੀਕਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ ਦਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾਓਗੇ ਵਰਟੀਕਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ ਸਿਖਰ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜਾ ਲਿਖੋਗੇ, ਐਂਗਲ 1 ਐਂਡ ਐਂਗਲ 4, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਇਹ 5 ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੌਣ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, 5 ਦੇ ਵਰਟੀਕਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੌਣ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, 2 ਤੇ 3 ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, 5 ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਦੂਸਰਾ ਪੇਅਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂਗਲ 5 ਐਂਡ ਫਿਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਐਂਗਲ 2 ਪਲੱਸ ਐਂਗਲ 3, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਵਰਟੀਕਲੀ ਔਰ ਵਰਟੀਕਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਖਰ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਲੀਨੀਅਰ ਪੇਅਰਸ, ਰੇਖੀ ਜੋੜੇ। ਅੱਛਾ, ਲੀਨੀਅਰ ਪੇਅਰਸ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟਰੇਟ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 180 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਸਟਰੇਟ ਲਾਈਨਸ ਆ। ਤੋ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਆਹ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਰੇਟ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਮਿਲ ਕੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੇਟ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੌਣ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, 1 ਅਤੇ 5, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂ, ਐਂਗਲ 1 ਐਂਡ ਐਂਗਲ 5, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਇੱਕ ਲੀਨੀਅਰ ਪੇਅਰ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਇੱਕ ਸਟਰੇਟ ਲਾਈਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਸਟਰੇਟ ਲਾਈਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਐਂਗਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਐਂਗਲ 4 ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ 5, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੋ ਸਟਰੇਟ ਲਾਈਨਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਟਰੇਟ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ, 180 ਡਿਗਰੀ। ਤੋਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਏ, ਲੀਨੀਅਰ ਪੇਅਰ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਕਹੀ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਤਾਂ 4, 3, 2 ਬਣਦੇ ਪਏ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੀਨੀਅਰ ਪੇਅਰ, ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐਂਗਲਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੂੰ 1 ਅਤੇ 5 ਲੈ ਲਾ, 4, 3, 2 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਐਂਗਲਸ ਆ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ
अपनी थोड़ी ए वाली स्ट्रेट लाइन लई इधर वाली, तां इहदे उत्ते कौन आ गया, फोर ते फाइव आ गए, मैं वन टू ते थ्री क्यों छड़ते, क्योंकि ये तीन आ गए, तिना का थोड़ा पेयर होगा, पेयर किन्ना दा हुंदा है, दो एंगल्स का पेयर हुंदा है, इस करके मैं दो एंगल लिखे। तुसी फिर लीनियर पेयर पछाणन वास्ते की करना, फटाफट स्ट्रेट लाइनस लभनियां ने, उन्हां तां देखना किहड़े दो एंगल पए ने जिहड़े मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना रहे ने, तो सौखा हो गया ना हुण इह। ठीक है, हुण असीं इस तों बाद करांगे क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, लो 11th क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇਨ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਫਿਗਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ੈਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੋ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕੁਛ ਕੁਐਸਚਨ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਯੈਸ ਨੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ, ਗਿਵ ਰੀਜ਼ਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਐਂਗਲ 1 ਤੇ ਐਂਗਲ 2 ਐਡਜਸੈਂਟ ਐਂਗਲਸ ਨੇ, ਕੀ ਐਂਗਲ 1 ਤੇ ਐਂਗਲ 2 ਲਾਗਵੇਂ ਕੋਣ ਹਨ? ਨੋ, ਨਹੀਂ, ਕੋਣ 1 ਤੇ ਕੋਣ 2 ਲਾਗਵੇਂ ਕੋਣ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨੋ, ਐਂਗਲ 1 ਐਂਡ ਐਂਗਲ 2 ਆਰ ਨਾਟ ਐਡਜਸੈਂਟ ਐਂਗਲਸ, ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਕੁਐਸਚਨ ਅਰਾਈਜ਼ਸ, ਵਾਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਐਡਜਸੈਂਟ ਐਂਗਲਸ? ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਡਜਸੈਂਟ ਐਂਗਲਸ ਨਹੀਂ ਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਐਡਜਸੈਂਟ ਐਂਗਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲਾਗਵੇਂ ਕੋਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, 1 ਤੇ 2 ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, 1 ਤੇ 2 ਲਾਗਵੇਂ ਕੋਣ ਹਨ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਏ ਬੀ ਸੀ ਤੇ ਡੀ। ਮੈਂ 1 ਤੇ 2 ਲਾਗਵੇਂ ਜਾਂ ਐਡਜਸੈਂਟ ਐਂਗਲਸ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਐਡਜਸੈਂਟ ਐਂਗਲਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਵਰਟੈਕਸ ਹੈ। ਵਰਟੈਕਸ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਂਝੀ ਭੁਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਬੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ, ਇਹਦਾ ਵਰਟੈਕਸ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵਰਟੈਕਸ ਇਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਰਟੈਕਸ ਕਾਮਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਰਟੈਕਸ ਕਾਮਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਆਮ ਸੈਂਟਰ ਸਲਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵਾਈ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਸ਼ੇਅਰ, ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਾਮਨ ਵਰਟੈਕਸ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਸਿਖਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਸਿਖਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12th। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12th ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਦੋ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮਸ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਕਰਾਂਗੇ, ਫਾਈਂਡ ਦ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਫ ਐਂਗਲਸ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਕਾਟਵੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਨੇ ਵਰਟੀਕਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲਸ। ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਗਿਵਨ ਲਾਈਨਸ, ਸਟਾਰਟ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਗਿਵਨ ਲਾਈਨਸ ਆਰ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨਸ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਕਾਟਵੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੇਰਫੋਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂਗਲ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 55 ਡਿਗਰੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਐਂਗਲ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ ਉਹੀ ਇਹਦੇ ਵਰਟੀਕਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਉਂ, ਅਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨ ਇੱਥੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵਰਟੀਕਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲਸ ਆਰ ਵਰਟੀਕਲੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲਸ ਆਰ ਇਕੁਅਲ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲਸ ਆਰ ਇਕੁਅਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਟੀਕਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਣਗੇ, ਸਿਖਰ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਚ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬਚ ਗਿਆ ਜ਼ੈਡ, ਇੱਕ ਬਚ ਗਿਆ ਵਾਈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ 55 ਅਤੇ ਐਂਗਲ ਵਾਈ ਹੈ, 55 ਅਤੇ ਵਾਈ, ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਬਣ ਗਏ, ਲੀਨੀਅਰ ਪੇਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੋ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂ ਫਰਦਰ, ਕੀ ਲਿਖਾਂ, ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ ਐਂਗਲ ਵਾਈ ਪਲੱਸ 55 ਡਿਗਰੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 180 ਡਿਗਰੀ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਦੇਵਾਂ, ਲੀਨੀਅਰ ਪੇਅਰ,
लीनियर पेयर नूं पंजाबी वाले की लिखणगे रेखी जोड़ा, है ना। तो फिर वाई नूं इत्थे रहण दा, ये 55 उधर जाके की हो गया माइनस हो गया एंगल वाई। हुण इत्थे काली नहीं करनी साइड ते, माइनस करके देख लेना, ठीक है। माइनस कीता इहनूं तो दसां चो पंज गए पंज इत्थे रह गए, सत्त सत्तां चो पंज गए दो, किन्ना आ गया तुहाडे कोले 125 डिग्री। लो y दी भी वैल्यू आ गई, x दी भी वैल्यू आ गई, ठीक है। कौन बच गया? सिर्फ एंगल z बच गया। y इज इक्वल टू एंगल z, क्यों? वर्टिकल ऑपोजिट। आपां की कहंदे पए सी, आपां कह रहे सीगे कि हुण जिहड़ा एंगल z है ये y दे ऑपोजिट पिया होया दो इंटरसैक्टिंग लाइनस दे विच, ये भी तां वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होए, तो मैं लिख लिया एंगल z इक्वल टू एंगल y। रीजन भी दसदा, सिखर सन्मुख कोण वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। y दी तां वैल्यू कढ ली होई 125, फिर z दी थां ते z लिख लिया, y दी थां ते 125 वैल्यू पुट कर दित्ती, तो साडा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। x भी निकल गया, y भी निकल गया, z भी निकल गया। किहड़े दो रिजल्ट यूज कीते असीं? एक वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स दा, मतलब सिखर सन्मुख कोणां दा, ते एक लीनियर पेयर दा, ठीक है। अच्छा जी, हुण नैक्सट देखो। नैक्सट दे क्वेश्चन इहदा 12th दा ही सैकेंड पार्ट है। इहदे च वी असीं x y z दी की करनी है? वैल्यू कढणी है, ठीक है। लो फिर हुण इहनूं किद्दां स्टार्ट करांगे? देखो तुहाडे कोले 40 डिग्री है, ठीक है। अच्छा जी, होर तुहाडे कोले पहलां इंटरसैक्टिंग लाइनस चैक कर लैंदे किहड़ी किहड़ी है। इक लाइन ए है और इक लाइन साडे कोले ए है। तो आ जिहड़ा छोटा जिहा एंगल बनदा पिया जैड, ध्यान देना देखो, जिहड़ा जैड है, ठीक है, ते इधरों दी साडे कोले जिहड़ा ए 40 डिग्री है। हुण किहनूं भुल जाणा? इहनूं भुल जाओगे, ए हैगी है विच, ए वाली भुल जाओ, इहनूं, दो इंटरसैक्टिंग लाइनस बन गईआं, है ना। तो मैं की लिखा? एंगल जैड इज इक्वल टू 40 डिग्री। रीजन भी दे दां फटाफट, की भला? वर्टिकली ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। पंजाबी वाले की लिखणगे इत्थे? सिखर सन्मुख कोण बराबर हुंदे हन। तो लो जी, साडे कोले एक वैल्यू निकल गई, निकल गई। अच्छा हुण ध्यान नाल देखो, साडे कोले आ जिहड़ा एंगल वाई है, है ना, आ जिहड़ा एंगल वाई, ए इन्ना बड़ा एंगल वाई, ते ए जैड, दोनों जणे मिल के एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। तो मैं फर्दर की लिखा कि एंगल वाई प्लस एंगल जैड इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्यों इन्हां दोनां दा? क्योंकि स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, मतलब कौन ने? यह लीनियर पेयर ने। लीनियर पेयर नूं पंजाबी वाले की लिखणगे रेखी जोड़ा, है ना। तो किहड़ी वैल्यू पता तुहानूं? जैड दी फिल कर दो, वाई इज, वाई प्लस 40 इज इक्वल टू 180। तो y दी वैल्यू किन्नी आ गई? 180 माइनस 40 किन्नी आ गई y दी? तुहाडे कोले 140 आ गई, ठीक है। y दी वैल्यू किन्नी आ गई? 140। लो कौन बच गया हुण? सिर्फ ते सिर्फ x बच गया, है ना। अच्छा हुण ध्यान नाल देखो, जेकर तुसीं a वाली रे नूं भुल जाओ, y दे दूसरे पासे, y दे वर्टिकल ऑपोजिट कौन पिया होया? x प्लस 25, है ना। तो मैं की लिखा? मैं फर्दर लिखा ऑल्सो कि भला एंगल x प्लस 25, ठीक है, मिल के दोनों ये की करते पे ने? किहदे बराबर ने? एंगल y दे। कानू सिखर सन्मुख कोण वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो ठीक है, असीं कहता वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स है। वैल्यू पुट करो x दी, नहीं पता, 25 नूं 25 रहन दो, y दी हले हुणे हुणे पता करी है किन्नी? 140। तो एंगल x किन्ना आ गया? 140। a प्लस ते 25 उधर जाके माइनस होणगे, तो एंगल x दी वैल्यू किन्नी आ गई? साइड ते जाके इहनूं माइनस करके देख लो, तो किन्ने होए? दसां च पंज गए पंज, इत्थे रह गए सी तिन, तिन्ना च दो गए इक, इक 115। लो इस तरीके नाल तुहाडे कोले x y z सारी वैल्यू आ गई। हुण इहदे च वी सिर्फ दो ही कंसैप्ट लगे, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स दा ते लीनियर पेयर दा, सिखर सन्मुख कोणां दा, ते नाल दी नाल तुहाडे कोले रेखी जोड़ियां दा। उस तों बाद असीं करांगे क्वेश्चन नंबर, साडे कोले है 13, जो कि फिल इन दीआं। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 ते, फिल इन दीआं ब्लैंक्स, खाली थावां भरो, ठीक है। जो एंगल्स पढ़े ने उन्हां ते ही एक सारियां फिल इन दीआं ब्लैंक्स है। कहिंदा इफ टू एंगल्स आर कॉम्पलीमेंटरी, मतलब जेकर दो एंगल कॉम्पलीमेंटरी होण, पूरक होण, दैन उन्हां दा सम किन्ना हुंदा है? दैन सम ऑफ देयर मेजर, उन्हां दे मापां दा जोड़ किन्ना हुंदा है? किन्ना हुंदा है? 90 डिग्री। बहुत सौखा जी, ये तुहानूं 1 मार्क क्वेश्चन च वी आ सकदा, ठीक है।
इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंटरी, अपने दिमाग दे विच फटाफट लेना सप्लीमेंटरी जिन्हों का सम हुंदा 180 डिग्री, ठीक है। अगर दो कोण संपूरक हन, लो क्वेश्चन भी यही है, उन्होंने मापा का जोड़ की होगा, दैन सम ऑफ देयर मेजर इज 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो सौखा हो गया, यह तो बहुत ही सौखा है। टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर, कहिंदा जिहड़े दो एंगल रेखी जोड़ा बनाते हैं, लीनियर पेयर बनाते हैं, ओ डैश भी होंगे ने, दे आर सप्लीमेंटरी एंगल्स, ठीक है, दे आर सप्लीमेंटरी एंगल्स, ओ की होंगे ने, ओ संपूरक भी होंगे ने, संपूरक। देखो नेक्स्ट है साढ़े को, इफ टू एडजसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंटरी, अगर दो लागे लागे जिहड़े एंगल्स पए ने ना उन्हां दा सम की है 180 डिग्री है, दे फॉर्म आ मिलके की बनाते ने, की बनाएंगे, अगर जिहड़े दो एंगल है ओ की ने एक दूसरे के कोल कोल भी पए ने ते मिलके ओ सप्लीमेंटरी उन्हां दा ओ सप्लीमेंटरी भी ने, दैन दे फॉर्म ए लीनियर पेयर, मिलके की बनाएंगे लीनियर पेयर, रेखी जोड़ा बनाएंगे। अच्छा हुण इहदी एक दो फिलिंग दीआं ब्लैंक्स हले होर पईआं ने, ठीक है, दो फिलिंग दीआं ब्लैंक्स पईआं ने साडे कोले और दो खाली थावां होर पईआं ने, कुछ फिफ्थ ते सिक्स तुसीं आपे अपने आप करना, जे तुसीं तुहानूं इह समझ लग गईआं उह वी तुहाडे वास्ते बहुत ईजी होंगीआं, ठीक है। चलो हुण नैक्सट देखो, नैक्सट करदे हां असीं क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट क्वेश्चन है इह। तो तुहाडे कोले इन्हां ने फोटो बना के दित्ती हुई है, ठीक है, वह की पुछदा पिया थले, तुहानूं क्वेश्चन पुछदा पिया, कोई पांच क्वेश्चन पुछदा पिया, मैं सिर्फ चार क्वेश्चन कराने हैं, फिफ्थ क्वेश्चन आंसर तुसीं आपे देना। अच्छा जी, हुण उह कहिंदा पिया पहला की लिखो, ऑबट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सब तो पहला ऑबट्यूज नूं भुल जाओ, पहला सिर्फ देखो की कहिंदा पिया, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, सिखर सन्मुख कोण। हुण देखो वह की नाले ऑबट्यूज होवे, ऑबट्यूज मतलब 90 डिग्री तो वड्डा ते 180 तो छोटा। हुण ध्यान ना देखिए, जेकर असीं इस नूं भुल जाने हैं, इस चीज़ नूं भुल जाइए, है ना, तो साढ़े कोले दो तुहानूं इंटरसैक्टिंग लाइनस दिखदियां भी हैं। हुण एक पेयर किहड़ा बनता पाया, अच्छा मैं दस दिंदा, एक पेयर बनता पाया तुहाडे कोले, देखो रैड पेन दे नाल मैं बनाया। हुण जेकर तुसीं इहनूं ध्यान ना देखांगे तां साढ़े कोले न्यून कोण बनते पे, दोनों एक्यूट बनते पे, है ना, उहने किहड़े पुछे तुहाडे कोले, ऑबट्यूज, ऑबट्यूज किहड़े किहड़े रह गए, हुण किहड़ा बच गया, एक इधर वाला, एक इधर वाला, इधर वाले का नाम की है बी ओ सी, इधर वाले का नाम की है ए ओ डी, तो लभना सौखा हो गया, और दोनों के दोनों ऑबट्यूज ने, अधिक कोण ने दोनों के दोनों, ठीक है। लिखदा हूँ नाम इत्थे किहड़ा किहड़ा सी, याद रखियो बी ओ सी ते एंगल ए ओ डी, एंगल बी ओ सी एंड एंगल ए ओ डी। लो तुहाडे वास्ते मैं की कर दे पिया, इन्हां दोनों एंगल्स नूं ग्रीन पेन दे नाल की कर दिता, उन्होंने कलर कर दिता, और तुहानू पता भी लग जूगा, पर अपने दिमाग दे विच जदों तुसीं ओ ही कढ़दे नहीं कि ओ ही है भी है कि नहीं है। नैक्सट कहिंदा पिया साढ़े कोले कॉम्पलीमेंटरी एंगल्स, आ वर्ड असीं बाद च पढ़ांगे, लागवें पूरक कोण ते नाल किहड़ा एडजसेंट मतलब लागवें, दो एंगल जिहड़े मिलके की बनांदे ने 90 डिग्री का कोण बनांदे पए ने। अच्छा हुण सारी फोटो दे विच देखो, ध्यान देना तुहानूं कित्थे 90 डिग्री का कोण दिखदा पिया, तुसीं कहोगे तुहानूं सिर्फ 90 डिग्री का कोण इत्थे दिखदा पिया, है ना। तो जदों तुहानूं ए वाला एंगल 90 का दिखदा पिया, तो तुहानूं दो एंगल भी दिखदे पए किहड़े मिलके बनांदे पए, तुसीं कहोगे हांजी हांजी दिख गए, बी ओ ए ते ए ओ सी, ए ओ ई, तो लिख दो फटाफट, एंगल बी ओ ए एंड एंगल ए ओ ई ई, ठीक है। तो सौखा ही है ना, बस इदा करना है कि तुहानू आपे कढ़ना आना चाहिए, ठीक। अच्छा जी, हुण अगे एक पुछदा पिया, इक्वल सप्लीमेंटरी एंगल्स, समान संपूरक कोण। पहला सप्लीमेंटरी एंगल्स की होंदे ने, संपूरक कोण की होंदे ने, दो एंगल्स जिहड़े मिलके किन्ने दा सम हुंदा है उहनां दा, 180 दा, मतलब स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए। हुण फटाफट फोटो दे विच चैक करो स्ट्रेट। जी नैक्सट क्वेश्चन है तुहाडे कोले, इक्वल सप्लीमेंटरी एंगल्स, समान संपूरक कोण। तो वह कहता पे तुसी दो एंगल्स एज लभने जिहड़े इक्वल भी होण ते जिन्हां दा सम 180 होवे। अच्छा हुण ध्यान ना देखो, 180 वास्ते तुहानूं स्ट्रेट लाइन चाहीदी है ना, तो स्ट्रेट लाइन ध्यान ना देखिए, एक ए बन रही है बी ओ डी ते एक कीड़ी बन रही है ए ओ सी। तो जदों मैं बी ओ डी नूं देखदी पई आं, थले मैनूं दो एंगल दिखदे पए, एक ग्रीन वाला एक रैड वाला दिखदे पए,
ग्रीन वड्डा रेड छोटा है तो इक्वल तो नहीं है, पर जो तो मैं उपरले पासे ध्यान मार दी भी तो मैनू जेकर मैं ओ ई नू भुल जा कि ओ ई हैगी है विच, तो ध्यान ना देखो बी ओ ई तुहाडे कोले किन्ने दा 90 दा, तो इधर ई ओ डी भी किन्ने दा तुहाडे कोले 90 दा है। तो ये दो एंगल हो गए, तो ये दोनों एंगल की ने इक्वल ने और इन्हों का सम किन्ना तुहाडे कोले 180 डिग्री। तो थर्ड क्वेश्चन आंसर तुसी लिखोगे आपे, ठीक। और इस तो बाद इहदा क्वेश्चन नंबर फोर्थ है तो फिफ्थ है, वह भी तुसी खुद करोगे हुण जेकर तुहानू इन्ने बड़े करने आ गए, ठीक है। तो फिर आप स्टार्ट करांगे साडे कोले एक्सरसाइज इहदी 5.2।